सो टुडे वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो आज का मिनी व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एयरबस 320 एयरक्राफ्ट से। सो टुडे वी टॉक अबाउट द वीकली चेक एंड द डोर डम्पर प्रेशर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वीकली चेक। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इनिशियल प्रोसीजर से। तो आज का जो है वो व्लॉग हम आपको सिर्फ और सिर्फ डोर डम्पर प्रेशर चेक करवाना सिखाएंगे कि हाउ टू चेक द डोर डम्पर प्रेशर एंड वॉट इज़ द एडिक्वेट प्रेशर टू CRS। सो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे जो है टेम्परेचर और प्रेशर को देखते हुए उसकी एक डायग्राम और उसका एक चार्ट लगा दिया गया है डोर डम्पर के ऊपर। तो आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे इजीली और जो भी डोर डम्पर का प्रेशर होगा वो उस टाइम के टेम्परेचर, जो उस वक्त का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो इस प्रोसीजर के तहत आज हमारा 18,810 PSI का प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड है इस पर प्रोसीजर 30 डिग्री टेम्परेचर प्लस पे। तो इसको हम चेक करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज जब भी आप डोर डम्पर का प्रेशर चेक करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपने जो है वो डोर ओपन किस तरीके से करना है उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन आपने देख ली कि यार डोर नंबर पिन इन होनी चाहिए और डिसार्म पे होना चाहिए डोर, तो फिर आप उसको मैन्युअली ओपन कर सकते हैं डोर को। तो उसके बाद डोर नंबर के बाद आपको पता है साइड ग्लास, और साइड ग्लास आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको साइड ग्लास को क्लीन करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छी पिक्चर और एक अच्छी वीडियो मिल सके, ताकि आप अपने इस प्रेशर को एक एविडेंस के तौर पर अपने पास रखें ताकि आप अपने इंजीनियर या किसी टेक्नीशियन या किसी सीनियर टेक्नीशियन को दिखा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एविडेंस। तो इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि यार जब भी डोर आप ओपन या क्लोज करेंगे तो उसका मैग्नेटाइज बटन जो है वो आप प्रेस करेंगे तभी वो डीमैग्नेटाइज होगा और डोर जो है वो क्लोज कंडीशन में आएगा। ऐसा आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। तो यार आपको मैंने आज सारा डोर डम्पर का बता दिया। डोर डम्पर कोई ज़्यादा कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती, लेकिन यह है कि डोर डम्पर प्रेशर बहुत लाजमी आपने चेक करना है वीकली चेक में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोर डम्पर का प्रेशर चेक करने के लिए। डोर डम्पर का प्रेशर अगर नहीं होगा, कम होगा, तो क्या हुआ कि डोर जो है वो स्लोली ऑपरेट होगा, उसको जो है वो एक सडनली लोड जो देता है डोर डम्पर एक्चुएटर वो नहीं दे पाएगा, तो स्लाइड सही से ऑपरेट नहीं हो सकेगी। क्योंकि स्लाइड ऑपरेट होने का भी एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड में स्लाइड ऑपरेट होनी चाहिए, तो वो टाइम पीरियड नहीं होगा कवर। तो आपने डोर डम्पर का प्रेशर लाजमी चेक करना है, और डोर डम्पर का प्रेशर चेक करने के लिए सबसे पहले आपने चार्ट को फॉलो करना है। चार्ट को फॉलो करने के बाद उसका उसकी जो नीडल होगी उसमें से प्रेशर को आपने टेम्परेचर को नोट करके देखना है, एंड देन फिर आपने इसका प्रोसीजर उसको चार्ज करना है। जैसा कि R4 का हमें कम मिला था तो R4 को हमने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद उसको 1810 PSI पे हमने चार्ज कर दिया, और उसका लीक चेक करने के बाद हमने फाउंड सेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डोर डम्पर का सीखा और आप लोगों को भी सिखाया। तो आप हमारे साथ हर वीडियो में जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकें। सो अब मैं नीचे आ चुका था, नीचे हमने व्हील वियर पिन इंडिकेटर हमने चेक करना था और वो अच्छी कंडीशन में था, प्रॉपर था, इतना वियर नहीं हुआ था। तो ब्रेक्स माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आप कह सकते हैं कि जहाज फुली एयर वर्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग यहाँ तक पूरा हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह आपको एक नए व्लॉग, एक नए सिस्टम और एक नए शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे जो भी हम मेंटेनेंस करेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते रहें।